नमस्कार, मैं आशा संस्था से राकेश कुमार महतो। आज हम सहरा पंचायत के बड़ी सहरा गांव में आए हुए हैं। यहां के किसानों ने SWI विधि से गेहूं की खेती की शुरुआत कर दिए हैं। यहां के प्रगतिशील किसान राको महतो से मिलते हैं और देखते हैं आज वो अपने खेत में किस तरह से पंक्तिबद्ध गेहूँ की रुपाई कर रहे हैं। राम राम राको भैया, की समाचार छन और सब? राम राम। ठीके छे, आज जे छे ना SWI विधि से गेहूँ रोपाई करवा रहल छी। अगला बार जे छे लगेने रहिए 5 कट्ठा, यील्ड बढ़िया भेल रे, ई चलते पूरे खेत में लगवा रहल छी। ओ, इस बार ढेर लगा रहल छो? हाँ, 1 एकड़ लगवा रहल छी। राको भैया, यहाँ किसान के देखे छे बड़ी ढेर पैमाना पर SWI विधि से गेहूँ खेती कर रहल छे। भैया, ये SWI विधि की है छे? हाँ राकेश भैया, SWI विधि के मुख्य 5 बात पर ध्यान देलो जाय छे। पहला जे छे राकेश भैया, कम बीज लागे छे। पहिने हमें सब जे करे रहिए 1 एकड़ में 70 किलो बीज लागे रहे, एना जे छे मात्र 10 किलो बीज लागे छे। और दूसरा बात छे कि बीज उपचार करे छे और ओकरा में जे छे बीज उपचार नहीं करे पड़े छे परंपरागत विधि में। तीसरा जे छे लाइन सोइंग करे छे हमें सब, 8-8 इंच पर 2-2 बीज दे छे, लाइन से लाइन के दूरी 8 इंच और पौधा से पौधा के दूरी 8 इंच। और जे छे चौथा बात, 15-15 दिन के अंतराल पर 3 बार कोनो बीडर चलबे छे। कहने की खर पतवार खत्म भए जाए छे, मिट्टी हल्की हल्का भए जाए छे, ओकरा से जे हुए छे कि धूप हवा लागे छे, जड़ फैले छे और कल्ला अधिक से अधिक दे छे। और पचमा बात जे छे, रासायनिक खाद के बदला में जैविक खाद दे छे। कहने की रासायनिक खाद जब दे रही है जमीन बहुत ज्यादा हमरा सबके खराब हुए रहे और धीरे धीरे जमीन पूरा खत्म भए जाती है, इस चलते हम आर के जैविक खाद दे छे। रखो भैया, आखना SWI विधि गेहूँ रोपा रहा छो, देखेबो भैया केना रोपा है छे? हाँ राकेश भैया, चलो तोरा देखाबे छन खेत पर। हाँ राकेश भैया, देखो यहाँ केना रोपा करै छियै। ई जे छै रस्सी से 8-8 इंच पर सब में रंग डाली देने छियै। और ई भी देखना जे राकेश भैया कि हर रंग पर 2-2 बीज ही गिरना चाहिए। हाँ राकेश भैया, 2 रस्ती लगेने छे, एक पूरा पश्चिम और एक उत्तर दक्षिण, जकरा से हमरा दोनों लाइन सही रह। देख ला राकेश भैया, ई लाइन से जे छे ई डोरी लागलो छे, ई भरन पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण के भी डोरी लागलो छे और इस तरह से रोपाई भए रहल छे। राको भैया, ये तो बतेलो छे पौधा से पौधा दूरी बतेलो, ये लाइन से लाइन के दूरी केना उपटाबे छो? बस ये पौधा से पौधा दूरी रोपाई भए गेले, अब जे छे एकरा उपटा दे छिए। देखी लाया खुट्टी नाप छे, रखने छिए 8 इंच वाला। राको भैया, SWI विधि से गेहूँ खेती करे में कोनो सावधानियों बरतेल पड़े छो? हाँ राकेश भैया, SWI विधि में सावधानी बरतेल पड़े छे, जे मुख्य 5 बात बतेने रहिए उ 5ों बात पर ध्यान देना छे, नहीं तो फसल में कुछ उपज घटी जाए छे। राको भैया, SWI विधि के बहुत अच्छा जानकारी दिलो, और सब किसान भाई भाई बहन का भी SWI विधि के संदेश दल चाहे छो? हाँ भैया, देवे संदेश। सब किसान भाई बहन के हमरो प्रणाम, हम यहाँ कहे चाहबे SWI विधि से जे छे कम खर्च में ज्यादा उपज हुए छे। यही ले सब भाई बहन के कहे छे अपन अपन खेत में SWI विधि से गेहूँ के खेती करो। राको भैया, SWI विधि से गेहूँ खेती करे के बहुत अच्छा जानकारी दिलो,
एकरा लिए हमरा तरफ से और हमारे आशा संस्था के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम।